अस्सलामुअलैकुम, मैं एक बीकॉम की स्टूडेंट हूँ। मेरा एक सवाल है, क्या एक लड़की के लिए उसके चेहरे की खूबसूरती ही सबसे अहम है? क्योंकि आज हमारी सोसाइटी में सिर्फ और सिर्फ चेहरे की खूबसूरती को अहमियत दी जा रही है, जिसकी वजह से लड़कियाँ जो कम थोड़ा कम रंग होता है या जिनका रंग गोरा नहीं होता, वो डिप्रेशन में चली जाती है। क्योंकि लोग खूबसूरत लड़कियों के साथ थोड़ा कम गोरे लड़कियों को कंपेयर करते हैं, तो कई लड़कियां जो कम खूबसूरत होती है वो अपने आप को ब्रेक कर लेती है, सुसाइड कर लेती है, या अपने आप को मूव ऑन नहीं कर पाती सोसाइटी में। ऐसे हालात में हमें क्या करना चाहिए या इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सिस्टर, आज आपने जो सवाल किया है, ये सवाल सिर्फ हमारी सोसाइटी के लिए नहीं, जितनी सोसाइटी है, जितना माशरा है, वो तमाम के तमाम, हमारे पूरे के पूरे माशरे में वुमेंस के जितने इश्यूज़ हैं, उन इश्यूज़ में एक बहुत बड़ा इशू ये बनता जा रहा है। हर एक की सोच सिर्फ और सिर्फ फेस की ब्यूटी पर ही आकर रुक रहा है, हर एक की थिंकिंग ब्यूटी ऑफ फेस पर ही आके रुक रही है। मेरी बहन, इस सवाल का जवाब मैं इंशाल्लाह आपको पॉइंट वाइज दूंगी इंशाल्लाह, ताकि जितने भी लड़कियां या जितने भी लोग इस बारे में सोचते हैं या इस तरीके का सवाल करते हैं या ऐसा सवाल उनके दिमागों में आता है, इंशाल्लाह उनको क्लियर कट जवाब मिल जाए। उसके लिए मैं इंशाल्लाह पॉइंट वाइज आपको जवाब दूंगी। मेरी बहन, सबसे पहले चीज हम ये देखते हैं कि चेहरे की खूबसूरती की इस्लाम में क्या अहमियत है। पहला पॉइंट, अगर हम पूरे कुरान उठाकर देख लें, अगर हम पूरे अहादीस उठाकर देख लें, पूरी कुरान मजीद में तमाम के तमाम अहादीस में पूरी एक आयत भी आपको ऐसी नहीं मिलेगी या एक हदीस का टुकड़ा आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें अल्लाह सुबहाना व तआला ने इंसान की सिर्फ और सिर्फ चेहरे की खूबसूरती को अहमियत दी है। कहीं पर यह लिखा हुआ नहीं है, एक आयत भी नहीं है कि खूबसूरत है तो अल्लाह उनसे राजी है, जो खूबसूरत है उनको जन्नत मिल गई, जो कम खूबसूरत है उनके लिए जहन्नम है, नऊज़ु बिल्लाह। आपको पूरी कुरान मजीद में एक भी आयत ऐसी नहीं मिलेगी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मेरी बहन मुझे बताएं कि हम सबको किसने बनाया? अल्लाह सुबहानहू व तआला ने। ये बात याद रखें, अल्लाह सुबहानहू व तआला की बनाई हुई तमाम की तमाम मखलूकात खूबसूरत है और इंसान तो सबसे ज्यादा खूबसूरत है, क्योंकि अल्लाह सुबहाना व तआला कुरान मजीद में क्या कहता है, वलकद खलकनल इंसान फी अहसन तक़वीम। अल्लाह ने इंसान को बेहतरीन सांचे में ढाला है, इंसान को तो अल्लाह ने बेहतरीन तरीके से बनाया है। और जो लोग इंसान के चेहरे पर या लोग किसी के चेहरे पर अगर नाम रखते हैं, तो उनको सबसे पहले चीज ये देख लेना चाहिए कि क्या उनके खुद के चेहरे को उन्होंने खुद ने बनाया है। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, मेरी बहन, जो चीज हमने नहीं बनाई उससे कंपैरिजन कैसा, उससे मुकाबला कैसा? क्योंकि जो चीज हमारे अख्तियार में नहीं है उनसे मुकाबला करना तो बेवकूफी है। अगर आपको मुकाबला करना ही है, अगर आपको कंपैरिजन करना ही है, तो आप किरदार में करिए, अखलाक में करिए, सीरत में करिए, इल्म में करिए, टैलेंट में करिए, अमल में करिए, इन चीजों में, ईमान की मजबूती में आप कंपैरिजन करिए, क्योंकि इस्लाम ने इन चीजों की अहमियत दी है। ये थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, मेरी बहनों ये बात याद रखो, हमारी असल खूबसूरती हमारे चेहरों से नहीं है, चेहरे की खूबसूरती सब कुछ नहीं है, हमारी असल खूबसूरती हमारे किरदार से है, हमारी असल खूबसूरती ईमान की मजबूती से है, हमारी असल खूबसूरती इल्म से है, हमारे हुनर से है, हमारे टैलेंट से है, हमारे अखलाक से है, हमारे किरदार से है, हमारी सीरत से हमारी असल खूबसूरती है। इस पर हमको मेहनत करने की जरूरत है, इसको संवारने की जरूरत है, इस पर हमको वक्त लगाने की जरूरत है। फिफ्थ पॉइंट, मेरी बहन मुझे बताइए, चेहरे की खूबसूरती कब तक रहेगी? जवानी तक। ये खूबसूरती का भूत सिर्फ और सिर्फ जवानी तक है, वरना हमने किसी को ये कहते हुए नहीं सुना कि बुढ़ापे में आप कितनी खूबसूरत हो, क्योंकि खूबसूरती में हर एक के चेहरे की जो जिल्द है वो झिलस ही जाती है, वो झुक ही जाती है, वो लटकने ही लगती है। फिफ्थ पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट, मेरी बहन और सबसे अहम पॉइंट, आपके सवाल का सबसे अहम हिस्सा मैं इसको कहूंगी, ये बात याद रखें, मुझको और आपको अल्लाह ने बनाया है और अल्लाह ने मुझे और आपको जिस हालत में बनाया है उसी हाल में मुझे और आपको अपना रब, हमारा रब पसंद करता है, यानी इसी चेहरे के साथ मेरा और आपका रब हमको पसंद करता है। अल्लाह अकबर,
कोई हमको पसंद करे या ना करे, हमारा रब हमको पसंद करता है। और ये बात याद रखना, अल्लाह सुभानहू व तआला किसी के चेहरे को देखकर उसको पसंद नहीं करते, बल्कि उसके ईमान की मजबूती, उसके तखवे को देखकर उसको पसंद करते हैं। वरना अगर सिर्फ चेहरे की खूबसूरती को देखकर पसंद करना होता तो मुझे बताओ, क्या अल्लाह ने बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु को चुना या अबू लहब को चुना? बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु को। हम जानते हैं बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु कैसे थे, हबशी गुलाम, है ना, अफ्रीकन। गौर करिए आप उनके ताल्लुक से, उनकी सीरत में क्या आता है, मोटे मोटे होंठ, छोटी छोटी आंखें, चौड़ी पेशानी, चौड़ा चेहरा। लेकिन आप मुझे बताइए, अल्लाह सुभान व तआला ने उनको कितना पसंद किया। और अबू लहब, जिसका उसका नाम ही इसीलिए रखा गया था कि वो इतना खूबसूरत, इतना लाल भड़कीला शोले की तरह था कि लोगों ने उसको शोले वाला कह दिया, अबू लहब कह दिया। गौर करिए आप, लेकिन अल्लाह ने किसको तरजीह दी, खूबसूरती को या ईमान की मजबूती को? ईमान की मजबूती को। तो आप ये बात याद रखें, अल्लाह सुभान व तआला किस चीज को पसंद करता है? अल्लाह तआला ने मुझे जिस हाल में बनाया अल्हम्दुलिल्लाह उसी हाल में मेरा रब मुझे पसंद करता है, जिस चेहरे के साथ बनाया उसी चेहरे से मेरा रब मुझे और आपको पसंद करता है। ये बहुत अहम चीज है जो मुझे और आपको याद रखनी है। सेवेंथ पॉइंट मेरी बहनों, जो ये भी बहुत अहम है, याद रखना, इस्लाम में किसी को भी किसी का मजाक उड़ाने या किसी को नाम रखने का हक नहीं दिया, इजाजत भी नहीं। चेहरा तो दूर की बात है, किसी की हाइड यानी किसी के खद के बारे में भी बोलने की मुझे और आपको इजाजत नहीं है। क्योंकि हम सब जानती है, अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में कहती है, क्योंकि सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा जो थी वो नस्लन यहूदन थी, खूबसूरत तो थी लेकिन उनकी हाइड कम थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा क्या कहती है, वो तो ऐसी ऐसी है, यानी आयशा रजी अल्लाह तआला सिर्फ इशारा करती है, अपनी जबान से भी नहीं बोलती। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा इतना सुर्ख हो जाता, इतना सुर्ख हो जाता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ए आयशा, आज तूने इतनी कड़वी बात कही, इतनी कड़वी बात कही कि अगर तेरी इस बात को समंदर के पानी में मिला दिया जाए तो पूरा का पूरा समंदर का पानी कड़वा हो जाएगा, इतनी कड़वी और जहरीली तूने बात की। अल्लाह अकबर, अंदाजा करिए, अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात बोल रहे हैं। और आज हम हमारा अंदाजा करिए, जो लोग भी किसी के चेहरे पर या किसी के खद पर या किसी की जातियत पर कोई उंगली उठाते हैं या कोई नाम रखते हैं, खासतौर पर लड़कियों को अगर कोई नाम रखते हैं, तो एक तो वो दुनिया में बेअखली और जहालत का सबूत तो देते ही है और दूसरा अपनी आखिरत को भी बर्बाद कर रहे हैं। और रहा सवाल निकाह का, आप देखिए इस्लाम ने हर एक को कितनी इज्जत दी है। अल्लाह अकबर, सूरह हुजरात में अल्लाह क्या कहता है, कोई कौम किसी कौम का मजाक ना उड़ाए। और जब निकाह का मामला आ गया तो सूरह मुस्लिम की हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, तुम किस चीज को तरजीह दो? चार चीजें बताई गई लेकिन उसमें तरजीह किस चीज को देना बताया गया, दीनदारी को बताया गया। अगर तुम किसी लड़की से निकाह करो, अगर तुम किसी लड़के से निकाह करो तो तरजीह दीनदारी को दो। नहीं देने वालों के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, खाक आलूद हो उसके हाथ, मिट्टी लगे उसके हाथों को जो दीनदारी को तरजीह नहीं देते। अल्लाह अकबर, खूबसूरती की तो कोई अहमियत ही नहीं है। इस्लाम में अहमियत है दीनदारी की, इस्लाम में अहमियत है किरदार की, अखलाक की, इल्म की, हुनर की, टैलेंट की, इन चीजों की इस्लाम में अहमियत है, जो आज हम हमारी सोसाइटी में इन चीजों की अहमियत नहीं देखते। एक और पॉइंट याद रखना, अगर कोई शौहर और बीवी में कोई खूबसूरत नहीं है, बीवी खूबसूरत नहीं है या शौहर खूबसूरत नहीं है, उनके लिए तो खुशखबरियां हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, सही अहादीस है, अल्लाह के नबी कहते हैं कि दुनिया में अगर कोई खूबसूरत नहीं होते और उनका मकसद, उस मियां और बीवी का मकसद जन्नत का हुसूल होता है, अल्लाह की रजा होती है, और वो जब जन्नत को हासिल कर लेते हैं तो अल्लाह सुबहानहू व तआला जब उनको जन्नत में डालता है ना, तो वो खवातीन, वो औरतें हूरों से ज्यादा खूबसूरत होगी। वहां पर उनके शौहर जो दुनिया के शौहर देखकर कहेंगे कि क्या ये मेरी बीवी है, अल्लाह अकबर, हूरों से ज्यादा खूबसूरत अल्लाह उनको बना देगा। तो वहां तो हमेशा की खूबसूरती हमको मिलने वाली है, दुनिया की खूबसूरती तो कब तक है, थोड़े दिन तक है, वो तो चली जाएगी, लेकिन वहां हमेशा जहां पर हूरे हम पर रश करेंगे, अल्लाह अकबर, हमारे शौहर हम पर रश करेंगे, अल्लाह अकबर, ऐसी खूबसूरती जो हमेशा रहने वाली है। ये बात याद रखे मेरी बहनों, इस्लाम इन चीजों को अहमियत देता है। नाइन्थ पॉइंट मेरी बहनों, बी पॉजिटिव रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें। याद रखें, यू आर द बेस्ट, वी आर द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, हमेशा ये बात याद रखें। कभी अपने आप को किसी से कमतर ना समझे, कभी डिप्रेशन में ना जाए, कभी ना उम्मीद ना हो। अल्लाह कुरान में क्या कहता है,
ला तखनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस होने की आपको जरूरत नहीं है, यानी मिला वहाँ मिल जाएगा इंशाल्लाह, है ना। कभी अपने आप को ब्रेकअप मत करिए, कभी सुसाइड के का तो ख्याल भी दिमाग में मत लाइए, क्योंकि सुसाइड इस्लाम में हराम है, हराम है, हराम। ये बात याद रखिए, आप बहुत अहम हो मेरी बहनों, यू आर द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, हमेशा इस बात को याद रखिए। भाई हम क्यों अपने लिए अहम है, क्यों हम सबसे अहम है, क्यों? क्योंकि मेरा और आपका रब अल्लाह सुभानहु व तआला है। आई एम द बेस्ट व्हाई? बिकॉज मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ही हूँ, उम्मत मोहम्मदिया में मैं पैदा की गई हूँ। आई एम द बेस्ट व्हाई? बिकॉज मेरे पास मुझे जिंदगी गुजारने का तरीका दिया गया। आई एम द बेस्ट बिकॉज मेरे पास लाइफ का एक पर्पस मुझे इस्लाम देता है। आई एम द बेस्ट बिकॉज मैं उम्मत मुस्लिमा हूँ, मैं मुस्लिमा हूँ, मैं नॉन बिलीवर या मैं काफिर बनाकर इस दुनिया में नहीं भेजी गई। आई एम द बेस्ट वाई बिकॉज मेरे पास कुरान है, मेरे पास मुझे कानून दिया गया, मुझे रहनुमाई करने के लिए, मुझे गाइडेंस करने के लिए बेहतरीन बुक अल्लाह ने दी है। अल्लाह अकबर। वी आर द बेस्ट मेरी बहनों, हम हमेशा इस बात को याद रखें, हमेशा पॉजिटिव रहे, अपने आप को पॉजिटिव रखें, अपने आदराब लोगों को पॉजिटिव रखें, और जो लोग ऐसी बातें करते हैं उन लोगों को तो छोड़ ही दीजिए, अपने आप के बारे में सोचिए। जब तक आप अपने आप को कमतर नहीं समझेंगे, किसी की कोई इतनी अहमियत नहीं है कि वो आपको कमतर समझे, ये बात हमेशा याद रखें। और लास्ट पॉइंट और सबसे अहम पॉइंट, बल तु सिरून अलहयात दुनिया बल आखिरत खैरुम व अबका। हमेशा याद रखें, दुनिया लोग तो इस दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हैं, लेकिन आखिरत हमेशा रहने वाली है मेरी बहनों। चेहरे की खूबसूरती चाहे कितनी भी ज्यादा हो, जैसे ही मौत आएगी आपको मरना है, आपकी रूहों को लेकर चला जाएगा और आपको खबर में दफन कर दिया जाएगा। खबर के फरिश्ते आप हद से ज्यादा खूबसूरत, इसीलिए आपके ऊपर सवालात को नहीं छोड़ने वाले, सवालात नहीं छोड़ने वाले, ये बात हमेशा याद रखें। और जो नियमतें अल्लाह ने आपको दी है उन नियमतों का शुक्र अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहनों, अल्लाह ने हमको दो आंख दिए, है ना, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, काली हो या गोरी हो, वो अपना काम तो कर रही है। अगर अल्लाह हमको खूबसूरत आंखें देता, हद से ज्यादा दुनिया की टॉप नंबर वन खूबसूरती की आंखें देता, और लेकिन उन खूबसूरत आंखों में बिनाई, देखने की बिनाई को छीन लेता, देखने की सलाहियत को छीन लेता, तो मुझे बताओ क्या वो खूबसूरत आंखें कुछ काम की है? अल्लाह खूबसूरत हमको कान तो दे दे, जबरदस्त गोरे कान दे दे, बड़े बड़े कान दे दे, लेकिन अल्लाह उनमें से सुनने की सलाहियत अगर हमसे ले ले, तो मुझे बताइए कि कान कुछ फायदेमंद रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो अल्लाह ने जो नेमतें दी है उसको याद रखें, उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करें। जिस हाल में है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें और अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव रखें। ये कुछ चीजें थी जो मैं आपको इस सवाल के जवाब में दे रही थी। उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आपकी तरह हजारों लोग जिनके दिमागों में ये सवाल है, इंशाल्लाह उन तक भी ये जवाब पहुंचेगा, और उम्मीद करती हूँ कि आपका भी जवाब मुकम्मल हुआ होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।